नमस्कार सभी को। आज मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ 9th-10th क्लास की। ठीक है, आज मैं 9th-10th क्लास की हिंदी व्याकरण पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के सिलेबस के बारे में बताऊँगा कि इसमें आपके लिए क्या क्या आएगा हिंदी व्याकरण में। ठीक है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये सब बताऊंगा और एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सिलेबस में है नंबर 1 शब्द निर्माण। क्या? शब्द निर्माण। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है अपना शब्द निर्माण। ठीक है, अब शब्द निर्माण में हमें क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट हम शब्द निर्माण पढ़ेंगे उपसर्ग। ठीक है, फर्स्ट शब्द निर्माण में हम क्या पढ़ेंगे, उपसर्ग। फिर पढ़ेंगे हम क्या, प्रत्यय। और थर्ड समास को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और जो चौथा हमारा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, संधि। ठीक है, फर्स्ट उपसर्ग पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे और फिर क्या पढ़ेंगे, संधि। ठीक है, ये हमारे शब्द निर्माण के टॉपिक हो गए, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है और संधि पढ़ना है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हमारा आता है वो क्या है, वाक। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, वाक्यों के बारे में पढ़ना है, रचना के आधार पर ये सब वाक हम पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर ये सब हम वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य के भेद। ठीक है, वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, क्या, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब थर्ड हमारा आता है अलंकार। ठीक है, थर्ड में क्या पढ़ना है, अलंकार। ठीक है, थर्ड में क्या पढ़ेंगे, अलंकार। अलंकार में हम यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सब सारे अलंकार के भेद पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हम अलंकार के शब्दों को कैसे पहचाने। ठीक है, तो ये सब हम इनमें पढ़ लेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, फोर्थ हम पढ़ेंगे वाच। ठीक है, फोर्थ टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, वाच। ठीक है, फिर पांचवा जो टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या, रस। ठीक है, सारे रस इस टॉपिक में आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, अब सिक्स टॉपिक आता है अपना पद परिचय। ठीक है, पद परिचय। ठीक है, अब ये हमारे छह टॉपिक हो गए हैं। जैसे पहला शब्द निर्माण था, उसमें उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, संधि पढ़ना है, और फिर दूसरा था हमें वाक्य, वाक्य के बारे में, वाक्य के भेद ये सब पढ़ेंगे, अलंकार, अलंकार के भेद, अलंकार के शब्दों को कैसे पहचाने वाच में। ठीक है, कहाँ कौन से वाक्य, कौन से शब्द लगते हैं, और रस में सारे रस के भेद पढ़ेंगे, उन्हें कैसे पहचानना है ये भी पढ़ेंगे, और पद परिचय भी साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा 9th और 10th का सिलेबस है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, 9th और 10th का सिलेबस है। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम पत्र लेखन भी पढ़ेंगे। निबंध लेखन भी पढ़ेंगे।
ठीक है, एक पढ़ेंगे पत्र लेखन, दूसरा पढ़ेंगे क्या निबंध लेखन, और एक और पढ़ेंगे अपन क्या इसमें थर्ड विराम चिन्ह। ठीक है, ये तीन टॉपिक और अपन पढ़ेंगे, पत्र लेखन भी पढ़ना है, निबंध लेखन भी पढ़ना है, और विराम चिन्ह भी पढ़ना है। ठीक है, ये हमारा सारा का सारा नाइन्थ और टेंथ का सिलेबस हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं और ये हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, शब्द निर्माण। ठीक है, तो शब्द निर्माण कैसे होता है कि आप बताएंगे कोई, शब्द निर्माण कैसे होता है? देखो अक्षरों का मिलान होता है जब, हाँ, जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्णों और किसके वजह से, किसके, स्वरों के वजह से। ठीक है, तो जैसे कि आपने वर्ण पढ़े थे पहले, सभी ने पढ़े होंगे। ठीक है, वर्ण क्या होता है, वर्ण एक सबसे छोटी इकाई होता है, ठीक है, जिसकी खंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो उसके बाद वर्णों से मिलकर बना है क्या, शब्द। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई शब्द विच्छेद करते हैं, माना कि ये कमल है, अब इसका शब्द विच्छेद करेंगे तो का इसमें भी क्या एक स्वर छिपा हुआ है। ठीक है, प्लस आ, ठीक है, प्लस मा, प्लस आ, प्लस ला, प्लस आ। ठीक है, तो ये जब शब्द विच्छेद होगा तो सब में क्या स्वर निकल कर आएगा, तो शब्द किससे मिलकर बना है, स्वर और व्यंजन से। ठीक है, शब्द हमारा स्वर और व्यंजन से मिलकर बना है। ठीक है, तो अब हम शब्द निर्माण में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम शब्द निर्माण में उपसर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक अपना उपसर्ग था ना शब्द निर्माण में। ठीक है, तो पहला टॉपिक उपसर्ग लेते हैं। तो उपसर्ग होता क्या है, ठीक है, तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो एक शब्द है कोई, उसमें प्रारंभ में मतलब शुरू में, ये नहीं जैसे आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से पढ़ा होगा कि उसके आगे, ठीक है, उसके आगे लगकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। तो अब आगे माने हम अगर, तो जैसे हमने कुछ भी लिया, गुण लिया, ठीक है, गुण लिया, हम इसमें आगे कोई भी अप्रत्यय लगाएंगे, आगे आगे जैसे बताते थे आगे, तो ये कोई बनेगा क्या, नहीं बनेगा ना, तो ये गलत है। इसको क्या अपन क्या कह सकते हैं, प्रारंभ, ठीक है, या शुरू, ठीक है, या पूर्व। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, प्रारंभ, शुरू, पूर्व, तो इसके शुरू में, इसके प्रारंभ में लगकर क्या उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, अब एक तो है कि उसका जो शब्द है वो ही बदल देते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है उसका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है, और तीसरा होता है एक नए शब्द के निर्माण करते हैं। ठीक है, पहला जैसे उपसर्ग है, ठीक है, तो फर्स्ट तो क्या कर देते हैं, शब्द बदल देते हैं, ठीक है, और सेकंड क्या होगा, अर्थ बदल देते हैं, ठीक है, एक तो शब्द बदल देते हैं और दूसरा अर्थ बदल देते हैं,
और तीसरा है एक नए नए शब्द का निर्माण करते हैं, ठीक है, नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें होती हैं उपसर्ग में। जब उस उपसर्ग लगता है तो शब्द बदल देता है वो, ठीक है, उसका अर्थ भी बदल देता है। तीन कंडीशन हो सकती है, देखो शब्द बदल देगा, उसका अर्थ बदल देगा और एक नए शब्द का निर्माण कर देगा। क्या? उपसर्ग। ठीक है, कोई शब्द है उसके प्रारंभ में अगर उपसर्ग लगता है तो उसका शब्द बदल देगा, अर्थ बदल देगा और एक नए शब्द का निर्माण कर देगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, तो अब जैसे कि शब्द बदल देते हैं तो शब्द कैसे बदल देंगे? ठीक है, जैसे माना कि यहां ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, सुंदर शब्द है एक, क्या है, सुंदर, और हमने उसमें क्या कर दिया कि आ उपसर्ग लगा दिया, क्या कर दिया, आ उपसर्ग जोड़ दिया। ठीक है, तो अब ये बताइए क्या हो जाएगा, असुंदर, असुंदर हो गया। तो असुंदर हो गया तो अब ये बताइए इसका शब्द बदला कि नहीं, पहले सुंदर था अब क्या हो गया, असुंदर। ठीक है, अब जो जिसमें सुंदरता ना हो, ठीक है, तो वो होगा असुंदर। तो अब ये क्या हो गया, शब्द बदल गया। ठीक है, इसी प्रकार अर्थ, आप लोग सोचेंगे कि अर्थ कैसे बदल जाता है। ठीक है, तो अर्थ कैसे बदल जाता है कि मानो कि सुंदरी ले लो, ये सुंदर है और सुंदर में हमने अति उपसर्ग लगा दिया, क्या लगा दिया, अति, अति उपसर्ग लगा दिया, तो इसका क्या बन जाएगा, मिलकर क्या बन जाएगा, अति सुंदर। ठीक है, अति सुंदर, ठीक है, ये हमारा अति सुंदर हो गया। अब क्या हो गया, अर्थ बदल देता है। ठीक है, तो अर्थ बदला कि नहीं, अति सुंदर, पहले सुंदर था और अति सुंदर उसकी क्या हो गई, ठीक है, तो क्या हो गया कि अति सुंदर, पहले सुंदर था अब वो अति सुंदर हो गया उसकी। ठीक है, अब क्या है, अब आप सोचेंगे कि नए शब्द का निर्माण कैसे करता है। ठीक है, वो भी आपको बता देते हैं, नए शब्द का निर्माण कैसे करता है कि कोई भी है, जैसे माना कि हार ले लो, ठीक है, हार, हार क्या है, जो गले में पहनते हैं वो हार है। ठीक है, और हमने इसमें प्रा उपसर्ग लगा दिया, क्या लगा दिया, प्रा उपसर्ग है। अब ये हार था क्या, गले का हार था, ठीक है, और प्रा उपसर्ग लगा दिया तो प्रहार, ठीक है, प्रहार हो गया। अब ये बताइए हार था ये गले का था कि नहीं, गले का था, और प्रा उपसर्ग लगाने से ये प्रहार हो जाता है, प्रहार हो गया, तो प्रहार हो गया, तो प्रहार का अर्थ चेंज हो गया कि नहीं, हार था, हार गले में पहनने का, और प्रहार किसी पे वार करना, ठीक है, किसी पे वार करना, प्रहार हो गया, तो इसका अर्थ चेंज हो गया कि नहीं। ठीक है, तीनों चीजें आ गई, शब्द बदल देता है, शब्द कैसे बदल देता है कि सुंदर था तो असुंदर कर दिया, शब्द चेंज हो गया। अब क्या होगा कि अर्थ बदल देता है, तो अर्थ कैसे बदल देता, सुंदर था अति सुंदर हो गया, ज्यादा सुंदर हो गया, तो अर्थ बदल गया उसका कि नहीं। ठीक है, और शब्द कैसे, वो ये नया शब्द कैसा निर्माण कर दिया इसने कि हार था, हार से प्रहार हो गया, कोई इनका संबंध तो नहीं है दोनों का, सब अलग अलग है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारे उपसर्ग की विशेषताएं होती है कि शब्द बदल देता है, ठीक है, अर्थ बदल देता है और नए शब्द का निर्माण कर देता है। सभी को समझ में आया? ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखो हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं, गुण और देश। ठीक है, गुण है और देश है। ठीक है, तो गुण में जब निर उपसर्ग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, निर्गुण। ठीक है, गुण में निर उपसर्ग लगाया तो क्या हो गया, निर्गुण। ठीक है,
निर्गुण मीन्स क्या होता है? जिसमें गुण ना हो। तो जिसमें गुण ना हो, ठीक है, वो निर्गुण वो होता है जिसमें गुण ना हो। तो ये क्या गुण था, इसका शब्द परिवर्तन हो गया कि नहीं उपसर्ग जुड़ने से? ठीक है, जहां उपसर्ग जुड़ेगा कोई भी शब्द हो उसका शब्द परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब अपन ने लगाया गुण में ही क्या अव लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया अवगुण। ठीक है, अवगुण कैसे कहते हैं, जिसके अच्छे गुण ना हो, ठीक है, वो क्या होता है अवगुण। ठीक है, अब तीसरा है क्या सा उपसर्ग लगा दिया, तो क्या हो गया सागुण। सागुण जिसमें अच्छे गुण हो, ठीक है, जिसमें अच्छे गुण हो सागुण। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आ गया, इसमें निरुपसर्ग लगा है, अव लगा है और सा लगा है, और इससे शब्द बन रहे हैं निर्गुण अवगुण और सगुण। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा उदाहरण हमारा ये है कि पहला शब्द है अपना देश, ठीक है, पहला उपसर्ग लगाया अपन ने क्या उप, ठीक है, तो शब्द क्या बन गया उपदेश। ठीक है, उपदेश क्या होता है, किसी को अपने विचार व्यक्त करना, ठीक है, किसी को अच्छी सलाह देना उपदेश। ठीक है, अब स्व, ठीक है, स्व लगाया तो क्या हो गया स्वदेश। स्वदेश क्या होता है अपना देश, ठीक है, स्वदेश होता है अपना देश, ये हो गया स्वदेश, स्व लगाया। फिर हमने देश में वी उपसर्ग लगा दिया, क्या वी उपसर्ग, तो क्या हो गया विदेश, मतलब दूसरा देश। ठीक है, तो ये हमारे दो एग्जाम्पल थे, दो हमारे उदाहरण थे, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब उपसर्ग में हम क्या देखेंगे कि उपसर्ग होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कुछ संस्कृत के होते हैं, हिंदी के हो गए, ठीक है, तो ऐसे कुछ उर्दू के होते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के उपसर्ग आते हैं, ठीक है, हिंदी भाषा में। तो पहला जो होता है वो क्या आता है, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं, ठीक है, वो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हिंदी भाषा में प्रयोग हुए संस्कृत शब्द, मीन्स जो हिंदी भाषा में, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के तो हैं लेकिन हिंदी में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल वैसे ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि रात्रि है, ये क्या संस्कृत शब्द है लेकिन अभी भी रात्रि शब्द हिंदी में लिया जा रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो उपसर्ग हैं वो क्या है, वो भी इसी में आते हैं। ठीक है, एक तो है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी भाषा में प्रयोग हुए संस्कृत शब्द, ठीक है, जो संस्कृत के शब्द तो हैं लेकिन हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, अब तीसरा आता है अपना हिंदी के उपसर्ग, अब तीसरा है अपना हिंदी के उपसर्ग, तीसरा आ गया अपना हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, अब चौथा लें तो क्या है उर्दू के उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग हो गए, हिंदी भाषा में प्रयोग हुए संस्कृत शब्द हो गए, हिंदी के उपसर्ग भी हो गए, उर्दू के उपसर्ग भी हो गए, और एक और आते हैं इसमें, क्या आते हैं, एक और आते हैं, वो होते हैं हमारे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ठीक है,
अंग्रेजी की उपसर्ग। ठीक है, पांचवा होगा अपना अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। ठीक है, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी भाषा में प्रयोग हुए संस्कृत शब्द, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग, ये सब आ गए। ठीक है, अब जैसे संस्कृत के उपसर्ग भी कुछ होते होंगे तो ये होते हैं टोटल 22 उपसर्ग। कितने? 22 उपसर्ग हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, उपसर्ग में प्रयोग होते हैं। कितने हैं? 22। ठीक है, और हिंदी के कितने हैं? 5। 5 हैं जो हिंदी के उपसर्ग लिए गए हैं। ठीक है, और 13 उपसर्ग हमारी उर्दू भाषा से लिए गए हैं। कितने? 13। ठीक है, 22 अपने संस्कृत से लिए गए हैं और 5 अपने हिंदी के उपसर्ग हैं, और उर्दू के उपसर्ग कितने हैं? 13। ठीक है, उर्दू के कितने हैं? 13। और 3 ऐसे उपसर्ग हैं जो हमारे अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा से अपने कितने लिए गए हैं? 3 उपसर्ग। ठीक है, तो ये हमारे उपसर्ग हुए। ठीक है, समझ में आया इतना? देखिए, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं वो कितने? 13 हैं। ठीक है, 13। और उर्दू के उपसर्ग हैं वो कितने? 19। ठीक है, 19। और ये देखो, जैसा कि आप बोलेंगे इसके तो सर ने लिखे ही नहीं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग 22 हैं वो इनको मिलाकर है। ठीक है, हिंदी भाषा में प्रयोग हुए संस्कृत शब्द, यही संस्कृत शब्द हिंदी भाषा प्रयोग है और वही संस्कृत है। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर पूरे 22 जो हमारे संस्कृत से लिए गए हैं, तो इतने हमारे जो उपसर्ग हो गए। ठीक है, देखो तो संस्कृत के उपसर्गों को एक आध दो एग्जाम्पल दे दें, उदाहरण दे दें। जैसे कि संस्कृत का उपसर्ग है अति। अति ये क्या? संस्कृत भाषा का है। कौन सा? अति। ठीक है, अति उपसर्ग से मिलकर क्या बना है? जैसे ले लो अतिरिक्त, ठीक है, और आ जाएंगे अत्यंत। ठीक है, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। ठीक है, ये हमारे अति वाले हो गए। ठीक है, अब इसी एक संस्कृत का और ले लेते हैं, अधिक, अधि लिया। ठीक है, अभी अति लिया था, अब अधि ले लिया। क्या ले लिया? अधि। ठीक है, तो क्या ले लो? अधिकरण, अधिराज। ठीक है, तो ये हमारे क्या संस्कृत के ऐसे होते हैं। ठीक है, अति हुआ, अधि हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हिंदी भाषा में प्रयोग हुए संस्कृत शब्द की ओर। ठीक है, और थर्ड क्या है? हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, तो हिंदी के उपसर्गों की ओर चलते हैं। ठीक है, अब हिंदी भाषा के लेते हैं, तो हिंदी भाषा में पहला अपन लेते हैं क्या? अनमोल। ठीक है, अनमोल। अनमोल में क्या आएगा? अनमोल में उपसर्ग क्या आ रहा? अनारा ना। ठीक है, तो ये अन क्या है? अन क्या है? हिंदी भाषा का। ठीक है, अनमोल क्या है? हिंदी भाषा का। ठीक है, अब एक और इसका शब्द बनाएंगे तो क्या होगा? अनजान। ठीक है,
इसमें अन है, इसमें भी अन है, ये हिंदी भाषा से लिया गया है, क्या अनमोल और अनजान, ठीक है। और एक और ले लें, नी उपसर्ग ले लें अगर हिंदी भाषा का, ये भी हिंदी भाषा का है नी, तो नी में क्या करेंगे, जैसे कि निकम्मा, ठीक है। एक और नी का आ जाए क्या, निडर, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, हिंदी भाषा के दो एग्जाम्पल बता दिए। अब आते हैं अपन क्या, उर्दू भाषा के उपसर्गों की ओर। कौन से, उर्दू भाषा के उपसर्गों की ओर। अब उर्दू भाषा की ओर चलते हैं, उसके उपसर्ग लेते हैं। जैसे हमने ला ले लिया, ला, ला ये क्या है, उर्दू भाषा का है ला, ठीक है। उपसर्ग लिया तो इससे शब्द क्या बनाएंगे, जैसे कि ला जवाब, ठीक है, ला जवाब बनेगा कि नहीं, ठीक है। एक बन जाएगा ला इलाज, ठीक है। ये हमारे क्या, उर्दू भाषा के उपसर्ग से मिलकर बन रहे हैं शब्द, ठीक है। ला अपन ने कहाँ से लिया, उर्दू भाषा के उपसर्ग से, ठीक है। अब क्या लेंगे, बे को ले लिया, बे ये क्या है, उर्दू ही है, ठीक है। तो बे उपसर्ग से कौन कौन से बन जाएंगे, बेशक, यहां बेशक और बेईमान, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो और कोई, बेलगाम, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, उर्दू भाषा के दो उदाहरण हो गए, ठीक है। ला लिया अपन ने, ला जवाब, ला इलाज, बे, बेशक और बेलगाम, ठीक है। अब हम चलते हैं किसकी, अंग्रेजी भाषा की ओर। तो अब क्या हमें अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग पढ़ना है, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में हम उपसर्ग क्या लेंगे, पहला अपन ले रहे हैं डिप्टी, क्या लिया अपन ने, डिप्टी, ठीक है, डिप्टी लिया। तो डिप्टी के आप सोचिए क्या बन सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर, हाँ कलेक्टर भी होगा, डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कलेक्टर, ठीक है। तो ये डिप्टी के हो गए, ठीक है। दूसरा हमने लिया हेड, क्या लिया, हेड, तो हेड में आ जाएगा हेड मास्टर, क्या, हेड मास्टर, हेड मास्टर के बाद एक और इसका एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे, तो हेड क्लर्क, हेड क्लर्क, ठीक है। डिप्टी का डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, हेड का हेड मास्टर और हेड क्लर्क, ठीक है। ये हमारे अंग्रेजी भाषा के दो उदाहरण हो गए, ठीक है। अब देखो संस्कृत की समझ में आ गया, हिंदी भाषा के भी आ गए, और हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो प्रयोग किए जाने वाले, ठीक है, वो तो इसी में आ जाते हैं। और उर्दू के उपसर्ग हो गए, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हो गए, ठीक है, सब समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है कि अब आज अपना ये उपसर्ग, हमारा टॉपिक था, जो विषय था, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय, ठीक है, अगली क्लास में हम आपको प्रत्यय पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रत्यय के बाद ऐसे ही अपनी डेली क्लास चलती रहेंगी, ठीक है। ये हम सब किसमें, शब्द निर्माण में पढ़ रहे थे, ठीक है। शब्द निर्माण में उपसर्ग था, प्रत्यय था, समास था, संधि थी, ठीक है। उपसर्ग,
प्रत्यय समास संधि। हमारे अब एक टॉपिक निपट गया है, कौन सा? उपसर्ग। अब हमारे तीन टॉपिक बचे हैं, किसके? शब्द निर्माण के। ठीक है, शब्द निर्माण के तीन टॉपिक बचे हैं, वो हम धीरे धीरे करवाते रहेंगे।